क्या लेके आया? स्कूल से बर्गर लेके आया? नहीं, दोस्त का बर्थडे था ना, उसमें बस में दिया था। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ एक बहुत बैड न्यूज़ से। फ़ोन फूट गया यार, देखो नीचे से ऊपर। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो ये देखो क्या हाल हो गया फ़ोन का, पीछे से तो पूरा ही फूट गया है, यहाँ से देखो। और कैमरे भी काफ़ी स्क्रैच हो गए हैं, तो कैमरे भी सही नहीं आ रहा और आगे भी काफ़ी स्क्रैच है। यहाँ से तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई डिज़ाइन बन गया हुआ, देखो। तो अब इसको ठीक करवाने के लिए जाना पड़ेगा एप्पल स्टोर और दे के आऊँगा मैं। अच्छा हुआ इंश्योरेंस करवा रखे मैंने, नहीं तो पैसे भरने पड़ते पूरे। तो चलो अभी फिलहाल मैं इसका सारा डाटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि इसमें सारा डाटा है, डाटा दे नहीं सकता मैं, तो इसको फॉर्मेट करके दूंगा, फिर मिल जाएगा फ़ोन। ठीक हो गया फिर फ़ोन रिप्लेस होके, इंश्योरेंस में तो आई थिंक रिप्लेस होकर नया फ़ोन मिलेगा। वैसे तो मैं कैमरे से ही व्लॉग करता हूँ, लेकिन कहीं कहीं पर फ़ोन को भी यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि मार्केट में, भीड़ वगैरह में। तो हाँ, हर जगह कैमरा तो अलाउ नहीं होता, तो यूज़ करने में कई बार गिर जाता है। बिकॉज मैं लोअर डालता हूँ तो लोअर से गिर जाता है, लोअर की जेब ऐसी होती है ना, तो मेरे को जीन्स डालनी पड़ेगी अब से। जीन्स में सही टाइट रहेगा, लोअर से गिर जाता है पीयूष से भी, मुझसे भी। तो लोअर डालना बंद करना पड़ेगा यार, फोन का नुकसान हो जाता है लोअर डालने से। तो चलो फिलहाल डाटा ट्रांसफर करता हूँ सारा। कल गिरा था ये साइकिल चलाने में, पीयूष से ही गिरा था। वैसे ही टूटा तो काफी दिनों से हुआ, बट मैं इसको ठीक नहीं करवा रहा था, लेकिन इसके क्रैक बढ़ते जा रहे। कल और गिरा कर और क्रैक बढ़ गया, अब तो बहुत ही ज्यादा हो गया। तो चलो अब तो देना ही पड़ेगा। वैसे मानता हूँ मेरी गलती है, मैं जल्दीबाजी में गिरा देता हूँ, बट लोअर की भी गलती है, क्योंकि साइकिल पे ऐसे बैठते साइकिल से गिर जाता है। तो फिलहाल अभी डाटा कॉपी हो रहा है, मैं चलता हूँ बाहर, नहाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर चलते हैं एप्पल स्टोर। पीयूष और कुनाली तो गए स्कूल, मैं अपने एप्पल स्टोर जा गया। तो भैया फिलहाल रेडी तो गया हूँ, ब्रेकफास्ट करते हैं। मम्मी बना रही प्याज का पराठा, लेकिन अब मैंने फाइनली जींस डाल लिया है, लेकिन टाइट लग रहा है ना जींस डाल के, मन नहीं कर रहा डालने का। तो मम्मी जी ने इसमें प्याज ही प्याज ठूस दिया है और हरी मिर्च भी। गोल क्यों नहीं है? जब प्याज का पराठा तो प्याज ही होएगा ना उसमें, क्यों नहीं है गोल? सुनो, अपना बॉडी गार्ड रख लो इसको, ये आपको बॉडी गार्ड तो है मेरा, ये आपको बचा के रखेगा। मुझसे ज्यादा प्रोटेक्ट तो ओरियो करे मम्मी को। चलो मैं जल्दी से फोन दे के आता हूँ यार, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर उधरपुर जाना है, वहीं पे है सर्विस सेंटर। पीयूष और कुनाली स्कूल गए हैं, साहिल अपने कॉलेज गया है। तो भैया इस मॉल तो पहुंच गए, अब चलते हैं फोन को लेके अंदर और ठीक कराते हैं, हमको जाना ऊपर वहाँ। तो गाइस गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, अब चलते हैं अंदर मॉल में। अब देखो फोन से व्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है मॉल में, तो ऐसी जगहों के लिए चाहिए फोन, तो वहाँ पे मैं फोन से शूट करता हूँ। कैमरा गाड़ी में ही पड़ा हुआ है। तो गाइस एप्पल केयर से तो आ गए हैं, फोन तो उन्होंने लिया नहीं, वो कह रहे हैं घर से ड्रॉप कर लेंगे, कोई थर्ड पार्टी से इंश्योरेंस करा, एप्पल केयर वाला इंश्योरेंस नहीं है। चलो अब चलते हैं इसको वापस लेके घर। गाइस सारा मूड खराब हो गया, टाइम वेस्ट हो गया हमारा रुद्रपुर जाके, क्योंकि काम तो हुआ नहीं। अब वो पिक एंड ड्रॉप होगा, वो तो हम घर से भी कर सकते थे। मेरे साथ में विनय और दिव्यांश आए थे बस। कुनाली स्कूल से आ गए, साहिल भी आ गए कॉलेज से। क्या लेके आया? स्कूल से बर्गर लेके आया? नहीं, दोस्त का बर्थडे था ना, उसमें बस में दिया था। स्कूल से बर्गर कौन लेके आता है, दिखा कैसा है? स्कूल में खरीद के लाया होगा। नहीं मम्मी, नहीं खरीदा। खरीद के लाया होगा, पक्की बात है। नहीं खरीदा, बर्गर खाए गए। खाओगे? स्कूल में बर्गर मिलता है, पता क्या है, मतलब वहाँ पर स्पेशल मील टाइप होती है, मतलब किसी दिन क्या मिलेगा, छोले भटूरे, पाव भाजी, ऐसा कुछ मिलता है। भाई पीयूष के तो मजे हैं, स्कूल में बर्गर पाव भाजी। तब गाइस फिलहाल लंच करते हैं, आज बने पुलाव। तो अभी सब बैठ के यहाँ पे लंच कर रहे हैं। फ्रिज में से ठंडा पानी ला सकते हो निकाल के, ले आओ। कुनाली मैं आपके लिए वो लेके आया हूँ, आम, आम का जूस पियोगे? मैं आपके लिए आम लेके आया हूँ, अभी दिखाता हूँ। फ्रिज में देख के आओ, आम है। कुनाली देखो नीचे, देखो नीचे नीचे। कुनाली को आम ही नहीं मिल रहा, तो दिखाता हूँ। आपको आम नहीं मिल रहा? ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, खोलो इसको। ये क्या है, ये क्या है, ये आम ही तो है। हाँ ये आपके लिए आड़ू भी लाया हूँ, मेरे फेवरेट आड़ू। पीयूष के लिए आड़ू भी लाया हूँ मैं। अरे दोनों खाओ ना, लड़ाई मत करो, दोनों खाओ। तो भी गाइस पोपट हो गया, मैं जैसे फ्रिज खोला ना, दलिया वलिया सब गिर गया नीचे। ये पता नहीं कैसे रखा हुआ था, मैंने मतलब फ्रिज ऐसे बंद था, मैंने ऐसे फ्रिज खोला, फ्रिज खोलते ही एकदम से सारा दलिया नीचे गिर गया। तो भाई जैसा कि आप सबको पता है कि हमको जाना था म्यूजिक वीडियो के शूट के लिए, जिसमें पीयूष को भी आना था, साहिल को भी, लेकिन पीयूष के ना एग्जाम्स अब जल्दी ही आने वाले हैं, तो हमने वो शूट कैंसिल कर दिया, और भी एक रीज़न था तो कैंसिल हो गया। तो वो शूट नेक्स्ट मंथ ही होगा, ताकि पीयूष अपने एग्जाम जो टेस्ट है वो अच्छे से दे ले, और साहिल के भी एग्जाम अच्छे से हो जाएँ, उसके बाद ही हम म्यूजिक वीडियो के शूट पर जाएंगे पूरी फैमिली सब। तो अभी गाइस हम जा रहे हैं बोबिया के फार्म हाउस अपने नेक्स्ट ट्रिप की तैयारी के लिए। तो दिखाता हूँ कैसी तैयारी चल रही है हमारी, और क्या तैयारी चल रही है, कुछ अलग ही लेवल करने वाले हैं, कुछ मस्त सा। तो नींद आ रही है? हाँ। तो गाइस फार्म हाउस तो पहुंच चुके हैं, यही गेट है ना पीछे, एक काम कर, गेट खोल गया। कोई नहीं है? कोई नहीं है क्या? यही कहीं पे है वो,
देखियो कहीं पे दिखेंगे तो। अरे दिख गए दिख गए दिख गए दिख गए है ना, क्या मस्त लग रही गाड़ी। तो गाइस वो भैया को पसंद आ गई हमारी थार जो मॉडिफिकेशन कराई है ना। तो अभी गाइस यहाँ पे धुल रही है कैरावैन जिसमें हम ट्रिप करने वाले अपने नेक्स्ट ट्रिप। कुनाली आप मैच कर रहे हो पूरे रेड रेड मैच कर रहे हो। लेकिन गाइस इस ट्रिप पे ना पीयू जा सकता है, ना कुनाली जा सकता है, ना साहिल जा सकता है, शायद वो भैया और मैं ही जाएंगे। सिर्फ दो जने जाएंगे, सिर्फ दो जने इतनी बड़ी गाड़ी में। लेकिन इसके अंदर सब कुछ है, इसमें रहने का भी है, इसमें सब कुछ है, मैंने आपको दिखाया भी था। तो अभी गाइस धुलाई तो हो चुकी है, अब फिर इसकी साफ सफाई हो रही है, फिर इसको लेके चलते हैं। तो गाइस फाइनली रेडी हो चुकी है हमारी नेक्स्ट ट्रिप के लिए। आपको पता है इसके अंदर क्या है? ये पता है क्या है? किचन है, टॉयलेट है, सब है। और क्या है? और बेड है, सोने का है। और क्या है? और सब है। काश यार मेरे एग्जाम ना होते, मेरी छुट्टी होती और मैं भी जाता। कोई बात नहीं, चलेंगे एक बार। मैं ट्राई करके आता हूँ कैसा लगता है इसमें। ट्राई करके आता हूँ ना, ट्राई करता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ, फिर तेरे को बताऊंगा, फिर तेरे को भी ले जाऊंगा। तो गाइस देखो मस्त चमक चुकी है, पॉलिश मार दी है इसमें। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसमें ट्रिप करने के लिए, तो हाँ मजा आने वाला है। बिकॉज हम इसी के अंदर रहेंगे, इसी के अंदर खाना बनाएंगे, इसी के अंदर वॉशरूम भी है, इसके अंदर बेड भी है, इसीलिए आज प्रिपरेशन कर रहे हैं पूरी, खाने पीने की, सामान की, रहने की, सबकी प्रिपरेशन आज कर रहे हैं। कल हम निकल जाएंगे, कहाँ निकलेंगे वो अभी डिस्कस करते हैं, अभी कोई प्लान नहीं है कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स भी आ गए। हाय, हेलो कुनाली, मिल रहा है सबसे? कुनाली मिल रहा है सबसे? हैं आईडी, आईडी। अरे ये क्या है? वेरी गुड आईडी। कहाँ मांगे? यू शायद अंदर अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं। कुनाली चलो अंदर, चलो अंदर चलो। कुनाली कैसा लग रहा है? मस्त मस्त लग रहा है। हम तो इसमें जाएंगे घूमने। कुनाली बंद हो जाता है, कर दे बंद, कर दे कर दे कर दे। तो गाइस अब तो मुझसे वेट ही नहीं हो रहा इसमें ट्रैवल करने में, तो कल यहाँ पे बैठ के मस्त खाएंगे, यहीं बैठ के एडिटिंग करेंगे, कि मस्त टेबल भी है ना यहाँ पे। तो गाइस बाहर तो भीड़ लग गई, सब्सक्राइबर आ गया, ठीक है उसको लेके मतलब फार्म हाउस पे जाएं। हाँ फार्म हाउस पे जाओ, मारो ठीक है। हाँ बैठो 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 बैठो, जल्दी बैठो। बाय। आप लोगों का प्यार इतना मस्त है ना, हम गाड़ी धुलवाने के लिए रुके थे, इतने सारे सब्सक्राइबर आ गए तो काफी अच्छा लगा सबसे मिलके। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं वो भी आगे फार्म हाउस में, वहीं पे हम तैयारी शुरू करेंगे अपनी कल के ट्रिप की। तो पीयूष तो कैरावैन में ही आ रहा है, तो कैरावैन भी आ गई है। आने दो आने दो आने दो, भाई मस्त चमक गई यार। तो कैरावैन तो आ गई, अब मैं थार भी अंदर ले आता हूँ। चलो यहाँ पे सही लगता है फार्म हाउस में, एकदम खुला खुला एरिया है, और यहाँ पे देखो स्विमिंग पूल भी है, बस ये ठीक करवाना है, मतलब साफ सफाई करवानी है और पानी डलवाना है इसमें, तो हम आ सकते हैं कभी भी भाई, काफ़ी गहरा भी है। तो ये है पूरा बोई भैया का फार्म हाउस, देखो काफ़ी बड़ा है ना, गार्डन भी है, ये एरिया भी है, और यहाँ पे रूम्स भी है, यहाँ भी रह सकते हैं, और पीछे हमारी थार खड़ी है और उनकी कैरावैन भी खड़ी है। लास्ट टाइम भी हम यहाँ पे आए थे ना मम्मी पापा के साथ में, आपने देखा होगा। तो गाइस सडनली हवा चलने लगी बहुत तेज, तो गाइस प्रॉपर हो गया, बारिश स्टार्ट हो गया वो भी काफ़ी तेज, तो अब अंदर चलते हैं। तो गाइस अभी बाहर आ रही है बारिश और हम यहाँ पर अभी मैगी बना रहे हैं। डर लग रही है। डर क्यों लग रही है? गाइस मौसम खराब होने की वजह से लाइट जा चुकी है, इन्वर्टर भी खराब हो चुका है, इसलिए हम अंधेरे में मैगी बना रहे हैं। और अभी हम बना रहे हैं मैगी के आटा नूडल्स। बीमार हो जाएगा। अंदर आ जाओ, भीग जाओगे, अंदर आ जाओ। फाइनली मैगी रेडी हो चुकी है, अंधेरे में फोन की फ्लैश लाइट के साथ। तो अभी खाते हैं गाइज आटा नूडल्स। तो फाइनली गाइज लाइट आ चुकी है, लेकिन बारिश नहीं रुकी अभी तक, अभी फिलहाल हम प्रिपरेशन करते हैं। चलो भाई फिर गई लाइट, फिर गई लाइट। आ जाओ भाई अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अभी फाइनली कैरावैन में आ चुके हैं, बाहर हो रही है बारिश, लेकिन इसके अंदर देखो कितना अच्छा लग रहा है, चाहे बारिश हो कुछ भी हो। और ये सामान ले गए हैं कल की ट्रिप के लिए, तो इसमें सब कुछ है देखो, बिस्किट्स हैं, किचन का सामान भी है, गैस भी है, चूल्हे वूल्हे सब है, कुछ चूल्हे वूल्हे सब है इसमें, आटा नूडल्स भी हैं, मसाले हल्दी वल्दी सब है भाई, और बिस्किट्स हैं भाई, टीवी भी है इसमें, कैंची भी लायो, लाइटर भी है, अच्छा लाइटर भी लाए, लाइटर भी, दो ब्रश भी लेके आए, दाल भी है, दाल चावल तो फेवरेट है भाई, तो भाई लिटरली पूरा राशन का सामान लेके आए हुए हैं खाना बनाने के लिए, तो हम खुद ही इसी के अंदर खाना बनाएंगे कल, तो वो आप देखना मजा आने वाला है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो हाँ देखो सारा सामान ये, इसमें भी काफी सामान है, और नमकीन नहाने के लिए भी, नहाने के लिए मग्गा, इसमें देखो काफी सारा सामान है, पार्ले जी भी है। गाइस ये गाड़ी नहीं है, ये पूरा घर है, पूरा किचन का सारा सामान ले आए हैं, खाने पीने का सब कुछ ही है इसके अंदर। फिलहाल मजा आ रहा है, और इसमें ओनली बैठ नहीं सकते, इसमें सो भी सकते हैं, पूरे गद्दे भी है इसमें। एक मैगी, दो मैगी, अच्छा ओट्स भी है, दाल इसमें डाल दे, सेवैयां भी भाई, क्या क्या लेके आया, सभी सभी उठा लाया आपने, नमकीन सेवैयां नहीं खाएगा गाइस, पूरा नेक्स्ट लेवल करने वाले हैं, सब कुछ ही लेके आए, सब कुछ धूप भी लेके आए, पूजा करेंगे, वाह यार वाह, जय भगवान जी, चावल
पतंजलि बासमती राइस। सुबह ब्रेकफास्ट में नमकीन सेवैया बनती है, बहुत प्यारी। ये क्या है? बासमती। अच्छा शावर भी है यहाँ भाई, सब कुछ ही लगा रखा है यार। ये फ्लश काम करता है क्या? बिल्कुल यार। ओ भाई चिमटियाँ। क्या चिमटी? अच्छा चिमटी भी लाए हो। ये एक्चुअली कभी टेंट उड़ते है ना, तो क्लिप व्लिप लगानी है, उसके लिए लिया है। गाइस ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही है जो कि हमने कभी यूज ही नहीं किया है। भाई सब कुछ लेके आए, सब कुछ। गाइस पंखे भी चला दिए, चार पंखे लगा रखे हैं, दो ये हैं दो ये हैं, और लिटरली पंखों से ठंडी हवा आ रही है। एसी तो है ही, वैसे देखो ये पीछे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एसी है। तो भी गाइस रात के 9 बजने वाले हैं और ऑलमोस्ट सब कुछ सेट हो चुका है। तो हाँ चलो अभी फिलहाल हम निकलेंगे, काफी लेट हो गए लेकिन मजा आ गया, सारा सेट कर लिया। पीयूष तो कल स्कूल जाएगा और मैं कहीं और जाऊंगा। कल स्कूल नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा ऑनलाइन क्लासेस। कुनाली आपकी भी स्कूल है? आपकी भी ऑनलाइन है? थोड़ी हवा खा लेते हैं। अबे हवा घर जाके खाइयो हवा। चल अब लेट हो गए, 9 बजने वाले हैं, चलो चलते हैं। तू ये अपने कपड़े और टॉवल रखना है एक बस। ठीक है ठीक है ना। बाहर तो बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। तो फाइनली सोसाइटी पहुंच चुके हैं। तो भी गाइस घर पहुंच चुके हैं, फिलहाल डिनर करते हैं। सभी बैठ चुके हैं यहाँ पे। मम्मी जी मस्त तैयारी हो गई हमारी जाने की। तो डिनर हो चुका है, फिलहाल दूध पीता हूँ, एडिटिंग स्टार्ट करनी है, एडिटिंग करनी है, पैकिंग भी करनी है, बिकॉज कल निकलना है ना, तो बहुत काम है गाइस। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, बहुत नेक्स्ट लेवल एक्साइटिंग एक्साइटिंग ब्लॉग आने वाले हैं। हम कहाँ जा रहे अभी तक कोई प्लान नहीं है, क्या क्या होने वाला है कुछ प्लान नहीं है, बिकॉज फर्स्ट टाइम कैरावैन में जा रहे हैं। तो आने वाले ब्लॉग्स देखना। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नहीं नहीं अरे नहीं।